अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सभी लोग घर पर बैठे हैं। तो दोस्तों, गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और आज सोचा कि इन कबूतरों को नहला लिया जाए, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं कैसे नहलाता हूँ अपने कबूतरों को। तो दोस्तों देखें, आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग पता नहीं किस किस चीज़ों से नहलाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सीधा और सिंपल तरीक़ा बताऊँगा नहलाने का, जिसके अंदर आपका कबूतर भी फिट एंड फाइन रहेंगे और आप भी ऐसे ही नहलाएँ और जुएँ वगैरह सब चले जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ होती है, देना ज़रा सा। तो दोस्तों, ये है फिटकरी और मैं इसी से अपने कबूतरों को नहलाता हूँ। आप देख लें ज़रा, ये देखिए, ये फिटकरी है, ये देखिए आप। तो आज हम इस फिटकरी से अपने कबूतरों को नहलाएंगे और आप देखना कि इसको हम पीसेंगे और आप देखिएगा कि किस तरीके से कबूतर कितने मज़े से नहाते हैं और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। चलिए, तो ये एक डली ले लेंगे हम और ये एक हमें छोटा इमाम दस्ता चाहिए, ओखली मूसली जो भी कहते हैं आप लोग। आप देख लें, इसको हम इसके अंदर कूटेंगे और इसको कूट लेते हैं 2 मिनट। तो देख लें आप, इसको बारीक इसका पाउडर बनाना है हमें। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इसका पाउडर बना सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें आप, ये इस तरीके से बारीक पाउडर हो गया इसका। और अब इसको हम बताते हैं आपको किस तरीके से पानी में मिलाना है और किस तरीके से अपने कबूतरों को नहलाना है। और 2-3 दिन 4 दिन में आप आराम से नहला सकते हैं और ज़्यादा और कम अगर ये हो जाए तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये पानी के अंदर मिक्स करके इसको कबूतरों को नहलाते हैं और कबूतर फिट एंड फाइन रहेंगे आपके। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको लॉफ्ट में। नाम बताओ। मोहम्मद अफजल। इधर देख के, क्या नाम है बेटा? और सबसे पहले आप ये एक तशला ले लें, परात ले लें, जो भी आपके पास, बड़ा शीन, तशला, तबाख, आप जो भी कहते हैं वो ले लें। मैंने ये लोहार से ख़रीदा था, जो बर्तन वाले होते हैं उन लोगों के पास ये बड़ा तशला मिल जाएगा। और इसके अंदर हम ये फिटकरी जो हमने पीस के रखी है ये मिला देंगे, इस पानी के अंदर घोल देंगे अच्छी तरह, और जो रह भी जाएगी तो वो अपने आप घुल जाएगी इस पानी के अंदर। ये देखें आप, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी के अंदर फिटकरी। और ये पानी तैयार हो गया है हमारा और ये कबूतर सब बाहर आने के लिए बेताब हैं, कब हमें बाहर निकालें और हम इस पानी के तशले के अंदर छपा के लगाएं। तो दोस्तों आप देखें, मैं कबूतर खुलवाता हूँ और ये सारे बाहर आ जाएंगे, आप देखिएगा खुशी खुशी। आ जाओ इधर, आ जाओ। ये देखिए आप, ये अगर पानी पी भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिटकरी का पानी है। ये देखिए आप, और अभी धीरे धीरे ये सारे कबूतर इसके अंदर नहाएंगे, आप देखिएगा खूब मज़े ले लेकर। चलिए, आप वीडियो देखते रहें कंटिन्यू। आह आह आह।
तो दोस्तों पूरा मूड बना चुके हैं नहाने का, और कुछ ही देर में इस तशले के अंदर ये गोते मारने वाले हैं।
चलिए तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मज़े ले लेकर ये कबूतर नहाए। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपने जयपुर टॉप पिजन्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।